इधर देखिए जक्कनपुर थाने की पुलिस के द्वारा सचिव महोदय एवं पेट्रोलिंग पार्टी डॉल्फिन के मोबाइल के लोग साथ में थे। हम अपनी मां का दवा लेने अजीत कुमार मित्रा का इलाज चलता है, जो कि मैं आपको बता दूं, उस क्रम में मैं गया था बीपी का दवा लेने के लिए। एसएचओ महोदय सभी लोग मिलकर रोके, हमें बताया कि पुलिस स्टाफ है, उस क्रम में सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लाठी डंडों से काफ़ी प्रहार किए मेरे ऊपर, मेरा सर फट गया है। जबरन जो है एक कैदी के जैसा ट्रीटमेंट नहीं होता, वैसा एक पुलिस डिपार्टमेंट एक पुलिस वाले के साथ जो है व्यवहार किया है, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि आई लॉकडाउन का फायदा उठा करके पुलिस वाले को प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस वाले जब इतना ही प्रताड़ित हो रहे हैं अपने पुलिस वाले से, तो आम पब्लिक का क्या स्थिति होगा। मेरा सर फट गया है, मेरे सीने में भी काफ़ी दर्द है, मेरा हाथ जो है क्रैक हो गया है। मैं क्या बताऊँ अब इसमें, मैं अपना रिजाइनेशन लेटर डीएसपी महोदय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये देखिए मेरे सीने पे ब्लड है, और उसके बाद जबरन जो है उनके द्वारा शॉर्ट मेरा फाड़ दिया गया था, शॉर्ट चेंज करा के पुराना शॉर्ट एक पहना के भेजा गया था। मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको, भाई बंधु मेरा मदद करो। देखिए मेरे सर से जो ब्लड गिरा है उसका देखिए, यहाँ पे पूरा जो है ब्लड लगा हुआ है, मेरा सर फाड़ दिया था लोग। अब मैं नौकरी करना नहीं चाहता हूँ। अब रिजाइनेशन लेटर कल 11 बजे के बाद 12 बजे के आसपास डीजीपी महोदय के समक्ष मैं प्रस्तुत होकर रिजाइन देना चाहता हूँ, इसलिए कि न्याय की बात उन्होंने ही करते हैं और पुलिस वाले ही कुछ न्याय के लिए प्रताड़ित हो रहे हैं। इसमें एसएचओ महोदय ने जबरन जो है हमको धमका करके, सभी लोगों ने कहा कि पीआईआर बाउंड भरो, नहीं तो 188, 153, 353 में आप पर एफआईआर करके जबरन जो है पुलिस के कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने के क्रम में जो है आपको जेल भेज देंगे। इसकी न्याय होनी चाहिए, नहीं तो मैं कल 11 से 12 बजे के बीच